पूछेगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या हुआ अबू? चला गया हमजा को लेके। अच्छा कोई बात नहीं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ दुआ, आ जाओ आ जाओ भाई। इसे भी बाहर जाना, नीचे देखा है अबू को और हमजा को, वो जा रहे थे शॉप पे, तो ये भी इधर गया। अच्छा कोई बात नहीं, मैं जो नहीं यहाँ से कहा से ये देख कोशिश। अरे गंदी बच्ची, आज 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 इधर से अबू, इधर से आ गया अबू। अबू वो देखो, वो आ गया अबू, वो आ गया कि ये देखो डोर से आ गया अबू, डोर से आ गया अबू। सुत के जाओ, इतने बड़े बड़े आंसू निकल रहे मेरी बेटी के बाद। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अच्छा पापा को कॉल करते हैं, आपको ले जाए। आ जाओ आ जाओ, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, नीचे जा रही हूँ। आ जाओ चले, आ जाओ सब्जी लेने चलती हूँ, आज मैं अपनी बेटी को लेके जाऊंगी। आ जाओ। लंबी कतार जैसे बोलते हैं ना है। और यहाँ पे ये क्या खा रही है दिखाओ जरा। ये देखिए ये नूडल्स जो है ना, मैंने बना रही हूँ मैगी, पास्ता बना रही हूँ, तो उसमें मैंने एक पैकेट ये डाला है, तो इसमें से भी उसने निकाल लिया। गंदी बच्ची। वैसे आजकल आपके बाल बड़े नहीं हो रहे, इसकी क्या वजह है? मैंने कटवाए थे। अल्लाह छूटी, खुद ही कटवा के आई थी। अब कह रही ऑयल नहीं लगाती ना आजकल, इसीलिए लगवाया करो, खुद लगा लिया करो। वैसे तो बड़ी, वो देखो नीचे सारा कचरा। वैसे तो कहती हूँ मैं बड़ी हो गई हूँ, ये वो सारे काम तो कर लेती हूँ, अब ऑयल भी लगा लिया करो। हमजा और अली बॉल के पैसे लेके गए, इनकी बॉल गुम हो गई थी, तो ये हमजा वेट कर रहा है, अली बॉल लेने गया है, तो अब ये लोग खेलेंगे मैच। ओए हमजा क्या कर रहे हो? अली भाई ले गया मुझसे पैसे। कमेंट था कि आप लोग सफाई क्यों नहीं करते। ये देखे पूरा घर क्लीन है, लेकिन फिर भी सोफों पे कपड़े। और सोफों को देख के ना मुझे वो जो शादी हॉल वाली जो फीलिंग होती है ना, वो आ जाती है। उधर उनकी चेयर्स के भी ना कवर जो होते हैं ना, वो अक्सर शादियों के वाइट और रेड होते हैं, तो इनके भी हमने रेड लिए। और ये हमारे पिल्लो जो है ना बेचारे, ये वही के वही ब्राउन। तो इंशाल्लाह कोशिश करती हूँ कि जाऊँ रेड कलर का कपड़ा ले आऊँ, और हाथ पे ही सीऊँगी और क्या करूँगी, क्योंकि मशीन तो है नहीं। तो पिल्लो इनके भी छोटे छोटे से कवर जो है ना और बना लूँ रेड कलर के, तो देखें क्या होता है। मेरी सोच ही रह जाती है, कभी कुछ होता नहीं है। वैसे आपकी भाभी की ना सोच वहीं पर ही रह जाती है, कभी कुछ नहीं हुआ, मेरा काम सीधा एम ही रह जाता है। चलें चलते हैं, देखते हैं पास्ता बना के निकल। तो मैं वहाँ पे वीडियो बना रही थी, और मेरी बेटी जो है ना वो यहाँ पे आ गई, और ये इसके कान चेक कर, अगर अंडा टूटा ना तो तुम्हारी मम्मा मारेगी। तो मैंने मटर भी डाल दिए थे, घी भी, थोड़ा सा ऑयल डाला इसके अंदर, और ये मैगी और पास्ता दोनों साथ में मटर डाल दिए थे, ताकि जल्दी से काम हो जाए, गैस की भी बचत हो जाएगी। तो ये यहाँ पे लगी हुई है इसके साथ, तो बस अब इसका ढक्कन दे दो मैडम। फाइनली ये अभी तक नहीं बने मैडम, भी बने ना। बस मेरा स्पून छोटे वाला से मैं चेक करी थी, वो भी तुमने अंदर फेंक दिया। उठा सकती हो? उठा लो। नहीं नहीं, नहीं उठा लो, उठा लो। इसके अंदर से स्पून निकाल लिया, और दो 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 ढक्कन दो। अब मैं देखती हूँ तुम कितनी बहादुर हो। नहीं दे दिया मेरी बेटी ने ढक्कन। वाह भाई वाह, बहुत सही से नहीं दिया। हाँ अब सही। ईद पे कैसा ड्रेस चाहिए? लहंगा, लहंगा और दुल्हन वाला वो। दुल्हन वाला वो क्योंकि शादी हो रही है। पागल, सिर्फ छोटा सा चाहिए। क्या छोटा सा चाहिए? ये सिर्फ चाहिए। नहीं ना, आप ऐसे करो ना, जो वो दादो ने दिया था आप वो ही पहन लेना बस। क्या? जो एक जैसे लाई थी अम्मा मदीना से, फ्रॉक जो अलमारी में मैंने खड़ी की, वही पहन लेना बस, और ना लेना बस, एक बहुत है ना। वो पहले तुमने अच्छे से देखा है वो कितना प्यारा पिंक पिंक है। ये पर्दा ना यहाँ पे सही से मैंने एक साइड से बांध दिया, वरना जो है ना सारे पर्दे के ऐसे लगाए हैं मेरे हस्बैंड ने, ऐसे कि वो इधर से इधर नहीं होते, उनका फुल फुल पैप रखा है,
वो मेरे रूम का वो बेचारा सारा दिन दरवाजा खोलने के लिए मैं तरस जाती हूँ, वो बीच में लटका हूँ। अभी मैंने जाहे लगाई गुस्सा, मैंने तार से ना उसको साइड पे बांध दिया, कील खड़ा था उसमें करके, क्यों वो मैंने कल कहा भी है, मैंने कहा पैप थोड़ा सा ज्यादा कर लें ताकि जब डोर क्लोज होगा या कुछ होगा तो एक साइड पे खड़ा रहकर कभी आगे कर दें, वरना एक साइड पे। कहते नहीं नहीं इससे हो जाएगा, और ऐसा हुआ ना कि मत ही पूछे, वो फंसा फंसा उसमें है, कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। और इस बेचारी को तो चला चला के ना थक गई, ये नहीं चली और ये चल रहा है, ये यहाँ पे सूख रहे हैं, मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ। मैंने प्याज धो के बस प्याज को हल्का सा वो के एक से दो मिनट के लिए, अब इसमें डाल रहे हैं बंद गोभी और गाजर, डाल दो मैंने डाल दो ये डल दी, तो इसके बाद जो है ना थोड़ी सी देर इसको पकाती है, फिर जो है ना टमाटर और मसाले वगैरह डालेंगे। फिर इसको करते हुए मुझे 5 मिनट हो चुके हैं, तो अब जो है ना हम लोग डालते हैं इसमें सूखा धनिया, नमक, 4 गर्म मसाले सिर्फ ज़्यादा है, बाकी सिर्फ जो है ना लाल मिर्च, जीरा, हल्दी, ये थोड़ी थोड़ी सी है, और ये इसीलिए 4 गर्म मसाले ज़्यादा डाले क्योंकि और तो कुछ है नहीं, चिकन वगैरह जैसे सबको पसंद है, तो इससे ना ये थोड़ी चटपटी और खट्टापन इसमें आएगा, इसीलिए मैंने 4 गर्म मसाले ज़्यादा डाला। बाकी जो है ना बाकी बिल्कुल कम कम डालें ताकि उनका फ्लेवर ना है, इसका फ्लेवर है और ये बहुत अच्छा लगेगा। जो है ना इसमें मैंने टमाटर 3 काटे थे वो डाल देती हूँ, अभी हरी मिर्च मैंने नहीं काटी, वो बारीक करके डाल दूँगी, फिर है ना अभी इसको हल्की आँच पे छोड़ देती हूँ, ढक्कन देके तब तक ये सारी सब्जी हो जाएगी। शिमला मिर्च जो है ना वो लास्ट में डालेगी, मटर मैंने पास्ते के साथ ही डाल दिए थे, फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। मिर्ची कट करती हूँ, इसके ऊपर ढक्कन देती। मेरी जो छुरी है ना ये भी टूट गई है, दूसरी है तो वो मेरे हाथ पे नहीं चढ़ रही, क्योंकि आप जब एक से काम करती हो तो फिर वो ही आपको वो करती है, तो इस छुरी से मैंने इतनी मुश्किल से सारी चीज़ें काटी है ना मत ही पूछे। तो चलें जी अब जो है ना यहाँ पे काटती है अपनी मिर्ची, पता नहीं इस छुरी के साथ मिर्ची कटेगी कैसे, तो उसके बाद आपको फिर मिलती है। मिर्ची भी डाल दी थी, और ये जो मैगी के अंदर मसाला होता है नूडल्स बच्चों के वो भी मैंने डाल दी, ताकि इसका भी फ्लेवर अच्छे से है। बस अब जो है ना मैं इसमें हल्की इसकी आँच कर देती हूँ, तो फिर इसके बाद है ना अब इसमें पास्ता ऐड करेंगे। पहले मैं कैचअप निकाल लेती हूँ क्योंकि कैचअप भी डालना है, और बाबर भाई ने जो अपना मायोनीज़ बनाया था ना खुद ही, तो उसमें से भी 1 स्पून इसके अंदर डालेंगे, उसका भी अच्छा सा फ्लेवर है। तो इतना मज़े का है ना, मैंने आधी रोटी पूरी मायोनीज़ के साथ खा ली, बहुत ही मज़े का बना हुआ था। यहाँ पे अच्छा थोड़ा सा क्यों बचा, तो यहाँ पे ना मैंने सॉस वाला था चिली सॉस वाला केचप वो डाला, पास्ता डाल दिया। बस अब जो है ना इसको मिक्स करके ढक्कन लेती हूँ, अब तक जो है ना मैं एक प्याज काट लेती हूँ, शिमला मिर्च प्याज और हरा धनिया वो फिर एक साथ डालूंगी। तो यहाँ पे ये देखे प्याज, हरा धनिया और शिमला मिर्च, वे छुरी की वजह से ना बड़ा मसला हो रहा है मुझे, तो ये डालती हूँ मिक्स करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे ये देखे हमारा केचप वाला जो था मैक्रोनी वो बिल्कुल पास्ता रेडी हो चुका है, तो बस अब मैं देती हूँ क्योंकि दिन भर आज जिम पे भी नहीं गए, तो अब जैसे उठे के सो गए थे तो कहते हैं भूख लगी क्या है, मैंने कहा पास्ता है, तो कहते फिर कितनी देर है, मैंने कहा अभी तो देर है, तो उन्होंने जो हाल किया कि जल्दी करो, ऊपर से छुरी ख़राब थी ऊपर से ये, तो अल्हम्दुलिल्लाह से ये बन चुका है, तो अब सर्व करती हूँ उनको, फिर मिलते हैं आपको अगर कुछ और बनाया गया तो उसके बाद। यहाँ पे पास्ता रेडी हो चुके, हल्का सा नमक कम है तो मैंने ऊपर से थोड़ा सा डाला तो है, वरना जो केचप डाला है ना केचप से वो बिल्कुल सही लग रहा है, बिल्कुल हल्का सा कम था, बाकी बहुत ज़्यादा स्पाइसी बने। फादिया को चाहिए थी जेली, तो जेली तो नहीं थी इस टाइम घर पर, तो मैंने ना यहाँ पर अगर अगर बनाया और ना ये डाल दिया रूह अफ़ज़ा डाल दिया, अब नीचे का जो है ये पूरा रहेगा रेड रेड, ऊपर का जो है ना ये पूरा वाइट है, तो जब ये पलटेंगे ठंडा होगा फिर देखेंगे कि इसकी क्या लुक आती है। और इस साइड से जो है ना हल्का सा मैं कर लेती हूँ ताकि नीचे से ये रहे ऊपर से, वरना ये ऐसे ही अच्छा लग रहा है हल्का वाइट हल्का। तो ये रखते हैं थोड़ा सा बचा हुआ, ये इसने अपने वो उठाया हुआ था कोई खिलौना कि मुझे उसमें डाल के दो, तो थोड़ा सा उसे उसमें डाल के देती हूँ ताकि वो भी खुश हो जाए और हम भी खुश हो जाए। वो फादिया का जो कि फादिया ने बनाया, बस 1 सेकंड मम्मा, तो अब इसे उठाने में देख रही हूँ कि कैसे उठाऊँ, रखती हूँ किसी प्लेट में, अगर आ गया तो ये देखे साइड से मुझे गिर भी गया, चले तो अभी मैं इसको रखती हूँ फिर जब सेट हो जाएगा। लेकिन फादिया का जो है ना ठंडा हो चुका है, तो अभी निकाल रहे हैं, बहुत ही ना अलग से यमी यमी सा निकल रहा है फादिया, ये देखो आपके ये निकल गया। ये 10:30 बजे ऐलान हुआ कि सुबह रोज़ा है, तो पहले मसाला नहीं बना रही थी, मैंने कहा बस पास्ता खा ली तो सुबह बनाएंगे,
नाश्ते से पहले, लेकिन अभी सुबह की तहरी के लिए बनाना पड़ रहा है, तो मैं बिल्कुल हल्का फुल्का सा आलू मटर बना रहे हैं। कोई इसमें ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं, बस थोड़े थोड़े से डाली, वो भी आपको दिखाती हूँ। और जैसे प्याज डाले आँच तेज़ कर दिए मैंने, साथ में टमाटर और जो सारे मसाले वो डाल देती हूँ, और साथ में टमाटर और मटर, आलू और मटर डाल दूँगी, और इनकी हाँ आँच हल्की कर दूँगी। जो आज कपड़े वगैरह धोए हैं वो सारे साइड पे करके, तारे वगैरह साइड पे कर लेते, तो अच्छा नहीं लग रहा था घर, तो मैंने कहा पहले उसको भी इसको चढ़ा देती हूँ, फिर साथ साथ सुनहरा कह रही है, फिर मैं जो है ना सबके जैसे जैसे कपड़े थे उनके रूम में रखूँगी। तो आगे आपको दिखाती क्या, जीरा हल्दी धनिया पाउडर लाल मिर्च बिल्कुल हल्के से लिए, थोड़े से थोड़े, एक टेबल स्पून का भी चौथा हिस्सा मैंने सारी चीज़ों का लिया। अब बस इसमें टमाटर और हरी मिर्ची ऐड कर देती हूँ, और फिर चम्मच के साथ ही मैंने आलू और मटर भी डाल दिए इसे हल्की आंच पे, ढक्कन देके छोड़ देती हूँ, ये पकते रहेंगे तब तक, क्योंकि इसमें ना ग्रेवी नहीं बनानी, ये सूखे बनाने हैं, इसीलिए ये सारी चीज़ें एक साथ ही डाल रही हूँ, ताकि अपने पानी में ये गल भी जाएंगी, और अगर ग्रेवी की हुई मुझे ज़रूरत तो रखूँगी, वरना नहीं रखूँगी। शोरबा इसमें नहीं है, ये सिर्फ ग्रेवी वाले हैं, तो इसीलिए एक साथ सारी चीज़ें डाल, अगर शोरबे वाले हम लोग बनाते तो पहले उसको प्याज को टमाटर को सब चीज़ को अच्छी तरह से भून लेते, लेकिन ये जो है ना दूसरे बना रही हूँ, इसीलिए एक साथ सारा को डाल के हल्की आँच करके छोड़ दूँगी, तब तक अपना काम कर लूँगी, ये भी बन जाएगी। के जो अब इसको छोड़ दिया, कोई पानी वानी नहीं डाला, कुछ नहीं डाला, थोड़ी देर तक जब ये आलू वगैरह अपना पानी खुश्क कर लेंगे, अगर आलू कच्चे रहे या मटर, तो फिर डालूंगी, तो अपने पानी में हो जाएंगे। तो मेरा ने ये सारे कपड़े यहाँ पर रख दिए, तो बस अब मैं अलमारी में रखती हूँ बच्चों की जगह पे, दिल भर के अपने सबके। हमारा सालन रेडी हो गया था, बीच में चिकन भी आ गया था, तो मैंने चिकन ऐड कर दिया था, मसाला लगा हुआ था बाबर भाई के शोरमे वाला, तो वो मैंने बस ऐसे छोटे छोटे पीस कट करके डाल दिए थे, क्योंकि काम कर रहे थे, दिखाने का मौका नहीं मिला। तो ये हमारा जो है ना मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है, हल्का फुल्का, कोई ज़्यादा मिर्च नमक नहीं है, तो जो है ना अब इतनी प्यारी हुई यार, फर्स्ट रमज़ान और इतनी प्यारी बारिश। मैंने कुछ ऑर्डर किया था दराज से, वो आया मैं बोलूँ में, बहुत ज़्यादा बारिश, माशाल्लाह से ऊपर भी मौसम बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त, बारिश भी है, और ये रहा हमारा ऑर्डर, चल के देखते हैं क्या सीन है। ये एक तो ऑर्डर कैंसिल हो गया जो मैंने चेयर की थी, मतलब आज से फिर से क्या हुआ। यहाँ से अपना फेवरेट ग्लास और पिंक और ये नील सूट की, सॉरी मेरी है ये शाल, ये आपकी नहीं है, ये मम्मा ने और मैंने ऑर्डर किया, ये एक एक ही आएगा सबको। ये था वहाँ पे 200 कुछ का, मतलब 300 का था और 400 का पड़ा है, क्योंकि 100 रुपया उन्होंने लिया है अपने रिचार्ज आने के पहुँचाने के। तो अब जो है ना ग्रीन अली का है, ब्लू हमजा का है, पिंक किसका है, बाकी बच्चा येलो वो हम देंगे दोबारा में, ठीक है। बादल क्या हुआ अभी है, मैंने देखे हैं, होगी बारिश होगी, आपको नहाना है, शावर से नहा लो, बारिश से नहाना है भाई, हम लोग तो सो रहे थे, पता नहीं चला बारिश होगी। अच्छा चलो अब फिर जब होगी ना मेरी बेटी नहाएगी, ठीक है।